नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान में हम लोग अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस विवेचन को पढ़ रहे हैं। रस विवेचन का प्रथम भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका द्वितीय भाग आज हम लोगों की पाठ्य वस्तु है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, हमारा आज का विवेच्य विषय क्या है। प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारे रसों का भेद पढ़े थे, उन भेदों में से कुछ रसों का स्वरूप विवेचन आज पुनः करेंगे। आज हम अपने जो 11 रसों का परिगणन पूर्व के पाठ में किए हुए थे, उन रसों में से कुछ रसों का स्वरूप आज यहाँ से हम समझेंगे, जानेंगे कि उनका क्या स्वरूप है, उनकी क्या परिभाषा है। दूसरा, हम ये जानेंगे कि वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर होता है, दोनों की वस्तु स्थितियाँ किस किस प्रकार की होती हैं और दोनों में क्या मूलभूत अंतर है। उसके बाद हम जानेंगे कि वीर रस और रौद्र रस में क्या अंतर होता है। तो आइए बच्चों, हम अपने इन विवेच्य विषय को आज अपनी पाठ्य वस्तु में देखते हैं और उनको वहाँ समझते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें देखते हैं। करुण रस, आज का हमारा जो प्रथम रस है वह करुण रस है। इससे पूर्व में हम लोग श्रृंगार रस और हास्य रस को पढ़ चुके हैं, आज हम लोग करुण रस को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग करुण रस को समझते हैं। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, तथापि वहां मिलने की आशा बनी रहती है। अतएव जहां मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाए वहाँ करुण रस, और जहाँ आशा बनी रहती है वहाँ पर विप्रलम्ब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार होता है। प्यारे बच्चों, सामान्य परिभाषा हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जहाँ विभाव अनुभाव और संचारी भाव से रति नामक स्थायी भाव का संयोग होता है, वहाँ पर विप्रलम्ब श्रृंगार या श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। परंतु जहाँ विभाव अनुभाव और संचारी भाव का शोक नामक स्थायी भाव से संयोग होता है वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, इस रस में जो आलम्बन होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, वह अपने आश्रय से पुनः मिल नहीं पाता है। जैसे नायक और नायिका एक दूसरे के प्रति आलम्बन हुआ करते हैं, वह इस रस में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। कोई एक पक्ष मृत्यु को प्राप्त कर जाता है और जो दूसरा पक्ष है वह जीवित रहता है। उस अवस्था में इस रस की उत्पत्ति होती है। परंतु विप्रलम्ब श्रृंगार में दोनों पक्ष एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं, किसी कारणवश, शापवश या राजनैतिक कारणवश दूर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उनके पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है और करुण रस में वह आशा समाप्त हो जाती है। यही इसका मूलभूत अंतर है इन दोनों रसों में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका जो आलम्बन विभाव है वह क्या है। विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु जो है वह करुण रस के आलम्बन विभाव है। उद्दीपन विभाव, आलम्बन का दाह कर्म, जो आश्रय का आलम्बन है, उसका पति, उसका प्रेमी, जो भी व्यक्ति है उसका जो दाह कर्म है, उसके उस ईष्ट के
उस प्रिय व्यक्ति के जो गुण हैं और उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, उस इष्ट व्यक्ति का जो चित्र है, वह सब इस रस में उद्दीपन विभाव हुआ करता है। अनुभव, आश्रय का भूमि पर गिरना, निश्वास लेना, छाती पीटना, रुदन करना, प्रलाप करना, मूर्छा, दैव निंदा, कंपित होना इत्यादि इस रस के अनुभव हैं। संचारी भाव, निर्वेद, मोह, अपसमार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य और उन्माद आदि, ये इस रस के संचारी भाव हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इसके संपूर्ण अंगों को जान चुके हैं, इसके उदाहरण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरण को देखते हैं कि कैसे इसमें करुणरस घटित हो रहा है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। प्यारे बच्चों, हम इसका एक बार पुनः पाठ कर दे रहे हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। प्यारे बच्चों, हम पहले इसका अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद इसमें घटित करेंगे कि कैसे इसमें करुण रस है। यह जो प्रकरण है, इसमें एक नवविवाहिता के पति की मृत्यु हो गई है, उसी का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कवि ने कहा, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो सद्या ही उसके पति के सिर पर मुकुट बंधा था, विवाह का जो मुकुट पहनाया जाता है वह बंधा था, और अभी कल ही क्या हुआ था, हल्दी हुई थी, हाथों में हल्दी लगी थी, खुले भी न थे लाज के बोल, अपनी पत्नी के प्रति जो उसके हृदय में प्रेम था, जो उसके उद्गार थे, वह कह ही नहीं पाया, लज्जा के कारण उसके हृदय में दबे ही रह गए। और क्या था, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, जो उसके कपोल थे वो क्या थे, चुम्बन शून्य थे, खुले भी न थे लाज के बोल, जो पति था उसके लज्जा के बोल भी न खुले थे, अर्थात उसका अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम भाव था, जो उसके हृदय में उद्गार थे, वह भी वह नहीं कह पाया अपनी पत्नी से, और खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, और उसके कपोल जो थे वह चुम्बन शून्य थे, हाय रुक गया यही संसार, जब उसकी अचानक से मृत्यु हो गई तो संसार तो यहीं रुक गया, और जो उसकी पत्नी का सिंदूर था वह उसके लिए अंगार बन गया, वह किस प्रकार पड़ी हुई है, पड़ी है छिन्नाधार, वह आधार विहीन हो करके, जिसका आधार छिन गया हो, ऐसे वह पड़ी हुई है। और कैसा आधार छिन गया है, वातहत लतिका वह सुकुमार, वह सुकुमार है, कैसी सुकुमार है, लता जैसे सुकुमार होती है, उस तरह से वह सुकुमार नायिका है, और उसका आधार उसी प्रकार से छिन गया है जैसे किसी लता का आधार, बहुत तेज की हवा आए और वह किसी वृक्ष पर आरूढ़ हो और वहां से सहसा अलग हो जाए, उसी प्रकार से यह लता अपने पति से अलग हो करके, आधार विहीन हो करके पड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में जो विनष्ट पति है वह क्या है, आलंबन है, मुकुट का बांधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना आदि उद्दीपन विभाव है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़े होना अनुभाव है, तथा उसमें विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि जो है वो संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ
करुण रस के संपूर्ण अंग विद्यमान है और वह शोक नामक स्थायी भाव से मिलकर के करुण रस की निष्पत्ति कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब करुण रस के बाद हम अगले रस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका क्या स्वरूप है। रौद्र रस। प्यारे बच्चों, हम यह जान लें कि रौद्र रस और वीर रस में क्या अंतर होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब स्वयं का अपमान होता है, स्वयं की कोई आशा भंग होती है, उस स्थिति में क्रोध का जन्म होता है। परंतु उत्साह हृदय में किसी को आश्रय देने के लिए जगता है, किसी दीनहीन की सहायता के लिए उत्साह के भाव जागृत होते हैं। रौद्र का जो स्वरूप है वह अहंकार प्रेरित होता है और आश्रय देने की भावना से प्रेरित उत्साह होता है। रौद्र की परिणति बदला लेने में होती है और उत्साह की परिणति, वीर की परिणति यश प्राप्ति में होती है। वीर यश के लिए प्रेरित होता है और जो क्रोध है, जो रौद्र स्वरूप है, वह अपना बदला लेने के लिए उद्यत होता है। यह दोनों में मूलभूत अंतर है। अब हम रौद्र के स्वरूप को समझते हैं कि रौद्र का क्या स्वरूप है। जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से क्रोध उत्पन्न होता है, वही क्रोध अंततः रौद्र रस में परिणत होता है। तो इस रस का जो स्थायी भाव है वह क्रोध है और इसका जो आलंबन विभाव है वह विपक्षी है और वह अनुचित बात कहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसका आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव, विपक्षियों के जो कार्य हैं उनकी जो उक्तियां हैं वह उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। अनुभाव, मुख का लाल होना, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा करना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ना, कंप, प्रस्वेद, पसीने आना, गर्जन इत्यादि करना, अर्थात क्रोध में कुछ भी अनुचित बातें कहना, ये सारी चीजें अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव, आवेग, अमर्ष, उग्रता, उद्वेग, स्मृति, असूया, मद, मोह इत्यादि रौद्र रस के संचारी भाव हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें रौद्र रस है। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। प्यारे बच्चों, यह प्रकरण महाभारत के युद्ध का है। अभिमन्यु की हत्या 7 महारथियों ने मिलकर के की थी और उस स्थिति में जब अभिमन्यु निहत्था था और उसकी मृत्यु के पश्चात जयद्रथ ने उसके शव का बहुत घोर अपमान किया था, यह जान करके अर्जुन को बहुत कष्ट हुआ और अपार क्रोध आया। उनके क्रोध का वर्णन ही इन पंक्तियों में किया गया है कि अर्जुन का क्या स्वरूप है, तो हम पहले इसका अर्थ जानते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उस काल जब उन्होंने सुना कि अभिमन्यु का इस प्रकार से वध किया गया और उसके वध के उपरांत उसकी क्या अवमानना हुई, तो अर्जुन का उस समय, अर्जुन का जो क्रोध था वह निचरम सीमा को पार कर गया और इससे उनका तन जो है कांपने लगा, क्रोध में कांपने लगा और उनका स्वरूप ऐसे हो गया जैसे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। हवा का वेग अर्थात तूफान का वेग जब आता है सागर में, तो सागर के सामने जो आता है सबको विनष्ट कर देता है, सबके अस्तित्व को मिटा देता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अर्जुन के सामने इस समय जो आएगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
यह इन पंक्तियों में वर्णित है। अब आप यहाँ देखें कि अभिमन्यु वध के समाचार को सुनकर के अर्जुन का जो क्रोध है वह स्थायी भाव है, यह क्रोध स्थायी भाव है। आश्रय जो है वह अर्जुन है और विभाव अभिमन्यु का वध है। अनुभाव जो है हाथ मलना, मुख लाल होना, तन का कापना आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति हो रही है। प्यारे बच्चों, रौद्र रस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला रस कौन सा है। वीर रस। प्यारे बच्चों, अभी पूर्व में ही हमने बताया है कि वीर रस किसी भी याचक को, किसी भी दीनहीन को आश्रय देने के लिए उद्यत होता है, आश्रय देने वाली परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। तो इसकी परिभाषा है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसकी सामान्य परिभाषा कर सकते हैं कि जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव उत्साह नामक स्थायी भाव से मिलते हैं तो वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उत्साह की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यह उत्साह चार प्रकार का होता है, दान, धर्म, दया और युद्ध। इसी आधार पर वीर रस भी चार प्रकार का होता है। वीर रस चार प्रकार का होता है, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। इसका जो स्थायी भाव है वह उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। आलंबन विभाव, अत्याचारी शत्रु। जब कोई किसी के अत्याचार से पीड़ित होगा तभी तो किसी के आश्रय में जाएगा, तो जो अत्याचारी शत्रु है वह इस रस का आलंबन विभाव होता है। उद्दीपन विभाव, शत्रु का पराक्रम, उसका अहंकार, रणवाद्य बजाना और याचक का शरण में आना, यह सब वीर रस के उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। हम इसके संचारी भाव को समझते हैं कि संचारी भाव और अनुभाव क्या है। तो अनुभाव रोमांच होना, गर्वपूर्ण उक्ति कहना, प्रहार करना, कंपित होना और धर्म के अनुकूल आचरण करना, इसमें धर्म प्रधान होता है। रौद्र रस में अधर्म के मार्ग पर जाकर के भी व्यक्ति बदला लेने की सोचता है, परंतु वीर रस में धर्म के अनुकूल आचरण करते ही व्यक्ति अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो धर्मानुकूल आचरण इसका प्रमुख अनुभाव है। इसके संचारी भाव हैं उग्रता, आवेग, गर्व, चपलता, धृति, मति, स्मृति, हर्ष, उत्सुकता, असूया आदि, ये सब इसके संचारी भाव हैं। प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण है क्रुद्ध दसानन बीस भुजान, सोलह कपि रीछ अनीसर बट्टत, लच्छन तच्छन रक्त किए दृग, लच्छन विपच्छन के सिर कट्टत, मार पछारु तुम्हारे दुहदल, रुंड झपट्टी झपट्टी लपट्टत, रुंड लरे भट मत्थन लुट्टत, जोगिन खप्पर ठट्टन ठट्टत। प्यारे बच्चों, हम इसका पाठ करते हैं। क्रुद्ध दसानन बीस भुजानी,
सो लय कपि रीछ अनीसर बट्टत लच्छन तच्छन रक्त किए दृग लच्छ विपच्छन के सिर कट्टत मार पछार पुकारे दुहुदल रुंड झपट्टि झपट्टि लपट्टत रुंड लरे भट मत्थनि लुट्टत जोगिनि खप्पर ठट्टनि ठट्टत। प्यारे बच्चों, यहाँ पर राम रावण का युद्ध वर्णित है। राम रावण के युद्ध के प्रसंग में यह पंक्तियां कही गई हैं। तो सैनिकों के हृदय में जो उत्साह है वह इसका स्थायी भाव है। हम पहले इसका अर्थ जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। क्रुद्ध दशानन, जो दशानन है वह क्रोधित है और उसकी अपनी 20 भुजाओं को लेकर के क्या कर रहे हैं, कपि और रिक्ष जो बानर और भालू हैं उनसे जाकर के युद्ध करने के लिए वो युद्धत होता है। और लच्छन तच्छन रक्त किए दृग, और क्या कर रहे हैं, अपने आंखों को लाल लाल किए हुए हैं और अपना जो लक्ष्य, ये जो लक्ष्य है विपक्षन, जो विपक्षियों के लक्ष्य हैं, वो बानर भालू हैं कैसे, इसी का वर्णन है इसमें। अपने विपक्षियों के सिर को अपना लक्ष्य बना करके उनको काट रहे हैं। और उनका स्वरूप कैसा है, उनके जो दृग नेत्र हैं वो रक्त वर्ण के हो गए हैं। और मार पछार पुकारे दुहुदल, और कभी कभी ऐसी स्थिति आ रही है उस युद्ध में कि कोई योद्धा किसी को मार के पछाड़ दे रहा है, दोनों दलों में, राम रावण दोनों दलों में। तो क्या कर रहे हैं कि जा करके अपने जो सेना नायक हैं उनको जा करके पुकार रहे हैं, दोनों दलों की स्थिति है ये। और रुंड झपट्टी झपट्टी लपट्टत, और रुंड, रुंड शब्द का अर्थ होता है वह शरीर जिसका गला काट दिया गया हो, उसको झपट झपट के लपेट रहे हैं, फेंक रहे हैं। रुंड लरे भट मत्थनि लुट्टत, और वह कभी कहीं ऐसा लग रहा है कि केवल सिर रहित शरीर ही लड़ रहा है। ऐसे योद्धा जो है क्या कर रहे हैं, मत्थनि लुट्टत, ऐसा लग रहा है कि उनके सिर को, माथे को लूट लिया गया है। और जोगिन खप्पर ठट्टी ठट्टत, जो जोगिन, जोगिन शब्द यहाँ मृत्यु का एक स्वरूप प्रतीक रूप है कि मृत्यु जो है योगी का रूप बना करके आई है और अट्टहास करते हुए अपने खप्पर में उनके जो शरीर हैं, जो सिर रहित शरीर हैं उनके सिर को वह लूट रही है, वह उनको ले जा रही है, रक्तपान कर रही है। इस प्रकार यहाँ पर सैनिकों के हृदय में जो उत्साह है वह स्थायी भाव है। रिक्ष और बानर जो हैं वो आलंबन हैं। बानरों की जो विभिन्न लीलाएं हैं जो कर रहे हैं वो क्या है, उद्दीपन विभाव है। उनका नेत्रों का लाल होना, शत्रुओं का सिर काटना आदि अनुभव है, और उग्रता अमर्श आदि जो है ये संचारी भाव है। इस प्रकार इन पंक्तियों में वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। प्यारे बच्चों, अब हम अगले रस की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका क्या स्वरूप है। यह हमारा भयानक रस है। प्यारे बच्चों, काव्य ही वह प्रसंग है, काव्य ही वह आधार है जहाँ भय में भी आनंद की अनुभूति होती है। तो हम आज भयानक रस को देखते हैं। जो भय है वह इस रस का स्थायी भाव है। भयानक रस किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। और इस भय के जागृत और उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसकी सामान्य परिभाषा इस प्रकार भी आप कह सकते हैं कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव
भय नामक स्थाई भाव से मिलते हैं तो वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका जो स्थाई भाव है वह भय है। आलंबन विभाव व्याघ्र बाघ अर्थात हिंसक पशु चोर असामाजिक तत्व सर्प जहरीला जानवर और शून्य स्थान यदि कोई निर्जन स्थान हो या कोई भयंकर वस्तु है ये सारी चीजें यदि दिख जाएं मार्ग में तो वह आलंबन विभाव के अंतर्गत आएंगी क्योंकि ये सारी चीजें भय उत्पन्न करती हैं। उद्दीपन विभाव भयानक वस्तु का जो स्वर है भयंकर स्वर है वह सब उद्दीपन विभाव है। उसकी जो चेष्टाएं हैं उसका जो डरावनापन है सब इस रस के उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है। अनुभव कंपन पसीना छूटना मुंह सूखना चिंताग्रस्त होना रोमांच होना पलायन करना ये सब इस रस के अनुभव हैं। हम इसके संचारी भाव को देखते हैं कि दैन्य संभ्रम चिंता सम्मोह त्रास सब इस रस के संचारी भाव हैं। हम इसके उदाहरण को देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। एक बटोही एक राहगीर है वह अपने राजमार्ग में जा रहा है और एक तरफ उसको रास्ते में अजगर दिखाई दे रहा है। अजगर ही लखी अजगर को देखा उसने और एक ओर मृगराय मृगराय कहते हैं शेर को एक तरफ शेर दिखाई दे रहा है तो क्या हो गया विकल बटोही जो बटोही था वह विकल हो गया और मूर्छा खा करके गिर गया। यहाँ पर राजमार्ग में जाने वाले बटोही का जो भय है वह स्थाई भाव है। अजगर एवं सिंह जो है वो आलंबन है। अजगर और सिंह का दोनों तरफ से जो घेरना है वह क्या है उद्दीपन विभाव है। पथिक का विकल होना मूर्छित होना ये अनुभाव है। त्रास दैन्य भय अपसमार आदि जो है ये संचारी भाव है। इस प्रकार इस दोहे में भयानक रस है। प्यारे बच्चों आज के पठित पाठ के आधार पर अब हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं कि इस पाठ पर कौन कौन से अभ्यास प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है करुण रस का स्थाई भाव क्या है। दूसरा है भयानक रस की परिभाषा लिखिए। तीसरा है रौद्र रस तथा वीर रस में क्या अंतर है यह भी लिखिए। और चौथा है वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। शेष हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।